लुधियाने के वाड़े वाले इलाके चो एक दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है जिथे कि चचेरे भरा वालों नाबालिग भैन से कातलाना हमला किया गया। दोषी वालों लड़की उपर कुहाड़े नाल हमला किया गया। दोषी ने अपने आप में भी चाकू मार लई जिस विच के वह भी गंभीर रूप में जख्मी हो गया। उत्थे जख्मी लड़की को इलाज लिए लुधियाना के एक निजी हॉस्पिटल में दाखिल कराया गया है जिथे उसकी हालत गंभीर दसी जा रही है। उत्थे लड़के लुधियाना के सिविल हॉस्पिटल दाखिल करवाया गया जिथे उसनों PGI रैफर कर दिया गया है। घटना की सूचना मिलने के मौके पर पहुंची पुलिस वालों जांच शुरू कर दी गई है। सर्वेश कुमार, क्या हुआ, क्या था यहाँ पे? हाँ, हुआ क्या आपको बता चुका हूँ, क्या बताएं मैं? बताओ ना क्या हुआ था, लड़की को मारा, किसने मारा, क्यों? लड़की ने, पुराने ही मारा, और कौन मारूंगा? भाई ने बहन को? हाँ जी, भाई ने बहन को मारा। अच्छा, कितने बजे की बात है? वही 10-10:15 बजे की बात है। अच्छा, कहाँ कहाँ पर हुआ था ये? यहीं पे हुआ था। कौन सी जगह है जी? ये अपना बाड़ेवाल रोड है जी। अच्छा, सुबह कितने साल की थी लड़की? वही 11.5 साल या 11.5 या 12 के बीच है। लड़का वही 22 या 24 के करीब है। सर, फानू पता होता तो पहले दस दिन है, लेकिन फानू पता ही नहीं है। कितनी चोट ज्यादा लगी है लड़की को? सर, आपनू देखन मिले ताही तो दसूंगा, लेकिन जब पता ही नहीं तो कितना दस ज्यादा चोट लगी या कम लगी है। ठीक, शिवांगी, क्या हुआ, क्या था, आपकी बहन को चोट लगी है, किसने मारा? कजन ने मारा है। और हुआ क्या है तो हमें भी नहीं पता, क्योंकि हम घर पे नहीं थे, कोई नहीं था घर पे, सब काम पे थे अपने अपने, इसलिए। अच्छा, हाँ जी। तो कितने बजे की बात है सुबह? हम सब लोग 9 बजे से पहले घर से निकल गए हैं, उसके बाद ही हुआ होगा जो भी हुआ है, हमें फिक्स टाइम तो पता नहीं है। आपकी मम्मी ने आपको फोन किया, क्या बोला? मम्मी ने बोला कि कजन ने सिस्टर नु मारा, जल्दी छेती करो, करा जा। बस मैं उदो ही मतलब साइकिल चुकी तो कराई है बस। तुम इतने आके देखा, सिस्टर ना? मैं सिस्टर नु देखा, ना मैं मुंडे नु देखा, किसे नु देखा। ना साडे नाल किसे नाल कदे कोई लड़ाई झगड़ा नहीं होया। हाँ जी, मुंडे ने कुड़ी नु मारिया। हाँ जी, ते कुड़ी ने भी किता हमला मुंडे ते? जद कुड़ी उत्ते पहला होया होगा, कुड़ी किद्दा कर लूगी, दसो तुसी। मुंडे ने अपने आप नु भी मारे? हाँ जी, हाँ, ये सुनिया मैं, आप तो वेख्या नहीं है, यही सुनिया कि मुंडे ने अपने आप नु भी मारिया। मम्मी ने, मम्मी नु इना होश नहीं, बस मम्मी रोंदे सी ते फोन ते इना ही दस्या छेती कर आ जा बस। ठीक, एक लड़की सी संध्या, ओ ओदा ओदे परिवार दे विच इक राकेश कुमार दा लड़का रहिंदा सी, ओदे चाचे दा लड़का सी, ते ओदे चाचे दे लड़के ने इनू संध्या नु ओदे कोई कुआड़ी मारी है, ते कुआड़ी मारन करके ओ जिहड़ी लड़की है ओ ओरिसन हस्पताल च दाखल है, अजे बयान देण दे फिट नहीं है। पर जिहड़ा लड़का उन्हें भी अपने अपने आप ही जिहड़ा वो चाकू मारिया, ते वो भी जिहड़ा है इत्थे सिविल हस्पताल तो बाद PGI चले गया। बाकी अजे वो बयान देंगे तो फिर वेरीफाई करांगे, ते अगले इन्वेस्टिगेशन भी देखांगे। इस तरह है जी, भाई दया सिंह नगर के विच एक परिवार रहिंदा, उहदियां 4 लड़कियां ने, राम सेवक है, ये 4 लड़कियां ने, सब तो छोटी लड़की संध्या है। ਉਹ ਲੜਕੀ ਸੰਧਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁੰਡੇ ਦਾ ਰਕੇਸ਼ ਦਾ ਤਕਰਾਰ ਪਿਆ। ਲੜਕਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਮਾਂ ਪਿਓ, ਉਹਦੇ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ। ਫਾਦਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਏ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ? ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨੇ, ਮਾਲੀਗਰੀ ਦਾ ਕੰਮ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅਜੇ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਲੜਕੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ, ਉਹ ਲੜਕੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਅਨਫਿੱਟ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੜਕੀ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਫਿੱਟ ਹੋਊਗੀ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜੋ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦਊਗਾ ਉਹਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਹਾਂ, ਭਰਾ ਵੱਲੋਂ। दुखी भैन भरावां दे मसीहा, पंजाब दे मशहूर ज्योतिष, 50 सालां दा महान तजर्बा, तांत्रिक विधि नाल पाओ 100% गारंटी नाल हर परेशानी दा हल, पति पत्नी च झगड़ा, प्रेम ब्याह च रुकावट, सौदन दुश्मन दा खात्मा, विदेश च पक्का होना, कीता किराया, गुप्त वशीकरण कराओ, रुस्से प्रेमी प्रेमिका नूं अपने बस च करो, लाटरी नंबर पाओ भावें 649 होवे जां लुटो मैक्स, प्यार च धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करो, मैं तुहाडा प्यार टुटण नहीं देवांगा, संपर्क करो। बाबा सुल्तान जी 98150 50609।